हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सूरज के व्लॉग्स। दोस्तों फाइनली फिर से मैं जो आ गया हूँ एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं जो है निकल पड़ा हूँ बम्बलेश्वरी माता मंदिर, जो है डोंगरगढ़ में स्थित है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं जो है डोंगरगढ़ जा रहा हूँ। आज जो है नवरात्रि के एक दिन पहले ही मैं जो है निकल चुका हूँ। आज रात को 12 बजे के बाद जो है नवरात्रि लग जाएगा। तो चलो यहाँ से चलते हैं। हमें जो है हमने जो है 85 किलोमीटर का जो है फासला तय कर लिया है। मेरा जो घर है भिलाई दुर्ग, वो यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर है। तो यहाँ पर मैं जो है डोंगरगढ़ पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पूरे स्टॉल्स जो हैं, अभी रात के लगभग जो है 2 बज रहे हैं और यहाँ पर पूरे स्टॉल्स वगैरह खुले हुए हैं। साफ ही यहाँ अगर आप आना चाहें तो स्टेशन यहाँ पर है आप, और डोंगरगढ़ स्टेशन है तो आप इजीली जो है डोंगरगढ़ स्टेशन पर उतर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम काफ़ी देर तक मतलब रहे। उसके बाद 2:30 बजे जैसे ही हम पहुँचे तो 2 बंदे ने नहाया, नहा के हम जो तुरंत अंदर चल दिए प्रसाद वगैरह लेकर। तो चलो देखते हैं ऊपर और चलते हैं माता रानी को जो है दर्शन करते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा घुमा घुमा के जो है अंदर तक ले जाया जा रहा है। तो चलो देखते हैं अभी गेट खुला है या नहीं, कितना भीड़ अभी आप देख पा रहे हैं। नवरात्रि जो है 12 बजे के बाद लग जाएगा, अभी नवरात्रि लगा नहीं है। 12 बजे के बाद नवरात्रि जो है यहाँ पर लग जाएगा। हालांकि नवरात्रि लग चुका है क्योंकि 2 बज चुका है भाई, तो नवरात्रि तो लगी गया है। ठीक है, मतलब नवरात्रि का यह जो है देखा जाए तो पहला दिन है। और अभी देख सकते हैं ये पूरा अभी खाली है। यही अगर आप पंचमी को आते हैं तो भाई ये पूरा जो है भरा रहता है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है, इतना ज़्यादा भीड़ की मतलब वो हालत ही यहाँ पर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ से मेन गेट है, यहाँ से हम चलते हैं ऊपर की ओर। और ये देखो ये मेन गेट है, यहाँ पर मेन गेट तो खुला हुआ है। चलो चलते हैं ऊपर और माता रानी के जो है दर्शन करते हैं। प्रसाद आप ऊपर भी ले सकते हैं, हमने प्रसाद नीचे ही ले लिया क्योंकि जूते चप्पल वगैरह रखना होता है, गाड़ी रखना होता है, तो सब हमने जो है रख दिया नीचे में। तो चलो चलते हैं ऊपर, माता रानी के जो है दर्शन करते हैं। पहुँचते यार इतना ज़्यादा भीड़ हो चुका है, देख रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो चुका है। और बहुत से लोग जो है पहले से यहाँ पर आ चुके हैं, जबकि आज जो नवरात्रि का पहला दिन लग चुका है। तो देख सकते हो भाई नीचे में पूरा भीड़ ही भीड़, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो चुकी है। ये देखो यहाँ पर एक व्यू देख सकते हो, यहाँ तो पूरा खचाखच भर गया था भाई। और यहाँ पे जो है वॉइस ओवर मैं बाद में कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले से आपको ये बता पा रहा हूँ। यहाँ पे जो है हमें लगभग 3 घंटा यहाँ पर जो है वेट करना पड़ गया क्योंकि मेन मंदिर का जो गेट है ऊपर में वह जो है बंद हो गया था। वह सुबह के 6:30 बजे खुला, तो हमें यहाँ पर कम से कम 3 घंटा जो है वेट करना पड़ गया। तो 3 से 3.5 घंटा लगभग जो है इंतज़ार करना पड़ गया। तो चलो चलते हैं ऊपर, और गेट खुल चुका है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर मतलब आ चुका हूँ क्योंकि बीच का वीडियो मैं जो है नहीं बना पाया। तो देख सकते हैं माता रानी के आप जो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। मैं और आगे चलता हूँ और आपको जो है जूम करके दिखा देता हूँ। और मेरी मतलब कामना है कि आप जो भुवनेश्वरी माता जी हैं वो आप सभी की मनोकामना को जो है पूर्ण करें। तो सभी की मतलब सही शॉट रखें, सारा कुछ आपके साथ अच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं माता का मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। चलो और आगे चलता हूँ और माता जी के जो है आपको दर्शन करा देता हूँ, और कुछ व्यू आपको जो है नीचे का है वो भी यहाँ पर जो है दिखा दूँगा। तो भाई इतना ज़्यादा भीड़ था कि आगे जा ही नहीं पा रहे थे, और यहीं पर खड़े खड़े यहाँ पर जो है हम प्रसाद वसाद अभी यहाँ आगे चल के देंगे। तो क्या लोग खस के नहीं रहते, तो पुलिस वाले भैया लोग भी हैं भाई, बहुत सहयोग कर रहे हैं, मतलब अच्छे से अपना काम वगैरह कर रहे हैं, मतलब उनके मतलब यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं आगे की ओर, और प्रसाद हम जो यहाँ पर दे चुके हैं। उतरते समय देख सकते हैं भाई क्या ज़बरदस्त यार
व्यू है ऊपर से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ भी है। सुसाइड पॉइंट यहाँ पर एक बंद है, लेकिन एक जो है मुझे एक नया पता चला जो कि अंदर की ओर में, वहाँ का वीडियो यार नहीं बन पाया। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो पूरा जो कंप्लीट वीडियो जो है आपको बनाकर दे दूँगा। देख सकते हैं यहाँ से व्यू क्या ज़बरदस्त यहाँ पर जो है दिख रहा है। यहाँ पर ऊपर आने के लिए आप जो है पैदल तो आ ही सकते हैं, नहीं तो आप जो लिफ्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के खिलौने, बैंगल्स वगैरह, मतलब कॉस्मेटिक आइटम, हर चीज़ यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा, प्रसाद से लेकर सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो लोग यहाँ अच्छा खासा ख़रीदारी भी करते हैं, बच्चे वगैरह के लिए खिलौने वगैरह सारा कुछ यहाँ पर, चावल के दाने पे नाम, ब्रेसलेट पे नाम, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके नाम से यह जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। लिफ्ट से आना चाहें तो आप लिफ्ट से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिफ्ट चलती है। पर पर्सन शायद 50 रुपीज़ है, तो आप लिफ्ट का उपयोग करके भी यहाँ पर जो ऊपर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है चलना पड़ता है। तो चलो और चलते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ थोड़ी सी यहाँ पर जो है कम है, बट 2-3 दिन बाद यार बहुत ज़्यादा जो है भीड़ यहाँ पर होने वाली है। तो चलो चलते हैं नीचे की ओर जल्दी से। तो फाइनली जो है पूरा नीचे जो हम पहुंचने वाले हैं। अगर वीडियो यार तुमको पसंद आ गया भाई, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप बिना सब्सक्राइब किए चल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह के वीडियोस मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई जगह के साथ, एक नए वीडियो में। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना भाई, भूलना मत।